जब हम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कोटवार में अच्छे जेल हम बना दिए, हेमंत जी आपको जाना तो वहीं पड़ेगा, आपको कोई बचा नहीं। देखा कि हेमंत सोरेन जी जब दलालों की सुरक्षा में AK-47 आप राइफल में लगा देते सुरक्षा के लिए, आप लोगों को पता है नहीं कोई एक प्रेम प्रकाश के घर में AK-47 मिला था। भाजपा 2024 लोकसभा और विधानसभा चुनाव को देखते हुए पूरी तरह से संगठन को धार देने में जुटी है। खास बात यह भी है कि नई जिम्मेवारी बाबूलाल मरांडी को जब से मिली उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उन्होंने संकल्प यात्रा निकालने का निर्णय लिया। संकल्प यात्रा के जरिए बाबूलाल मरांडी विभिन्न जिलों और अनुमंडल पहुंचकर सरकार की नाकामियों को गिनाने में जुटे हैं, साथ ही सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में आज बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा पलामू के हुसैनाबाद पहुंची। हुसैनाबाद के कर्पूरी मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान तमाम भाजपा के नेता जो पलामू के हैं वो स्टेज पर बाबूलाल मरांडी के साथ मौजूद रहे। साथ ही बड़ी संख्या में लोग कर्पूरी मैदान में बाबूलाल मरांडी को सुनने पहुंचे थे। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने संबोधन करते हुए हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में कारोबारी अपराधियों के निशाने पर है, अब तक 23 से अधिक हत्याएं हो चुकी है। बाबूलाल मरांडी ने सीधे तौर पर कहा कि राज्य में लूट खसोट जारी है, किसी भी कार्यालय में बिना चढ़ावा के कोई काम नहीं होता। साथ ही वर्तमान में झारखंड में चल रही ईडी की कार्रवाई पर कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल्द ही सलाखों के पीछे जाने वाले हैं। होटवार में वह अपने लिए एक जगह सुनिश्चित कर ले कि किस जगह पर रहेंगे। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा बाबूलाल मरांडी ने, जो कि खुद ही भ्रष्टाचार में सब फंसे हुए। आप तो देखते होंगे अखबारों में ईडी वाले जांच कर रहे हैं, कितनी भ्रष्ट अफसरों के ऊपर एफआईआर के लिए सरकार को लिख चुका है 5-6, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री फाइल को अपने पास रखे हुए हैं, उसको परमिशन नहीं देते एफआईआर करने के लिए, यानी उन लोगों को बचाने का काम करते हैं। और क्यों नहीं बचाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनके ऊपर एफआईआर करेंगे तो उन लोगों से पूछताछ होगी तो हेमंत सोरेन का नाम लोग ले लेंगे। और हेमंत सोरेन ने कितना लूटा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसलिए मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं, जो खुद ही लूट में शामिल है उनसे लुटेरों से झारखंड कैसे बचेगा। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, हेमंत सोरेन जी कहते थे अब तो शिबू सोरेन के बेटा है डरते नहीं है जेल जाने से, उनके लोग कहते थे हेमंत है तो हिम्मत है। ईडी वालों ने 5 बार नोटिस दिया तो कभी सुप्रीम कोर्ट भागता है कभी हाई कोर्ट भागता है, और आज तो ईडी के डर से ही कहा बोले आ गए थे पलामू। हमने कहा कि भैया कब तक दौड़ोगे, कहां तक दौड़ोगे, जब हम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कोटवार में अच्छे जेल हम बना दिए, हेमंत जी आपको जाना तो वहीं पड़ेगा, आपको कोई बचा नहीं। तो इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, इस झारखंड को भ्रष्टाचारियों से बचाना। कोयला की लूट है, बालू की लूट है, पत्थर की लूट है, लोहा की लूट है, जमीन की लूट है, बस इन लुटेरों से ही झारखंड को बचाना है, यही मैं आज आप सब लोगों से कहने के लिए। तो आज इसलिए इस प्रदेश में कानून व्यवस्था समाप्त है। पिछले दिनों ऐसे झारखंड में गिरी विभाग की रिपोर्ट है, आप कोई भी वेबसाइट में देख सकते हैं, प्रत्येक दिन 5 लोगों की हत्याएं होती है, लेकिन उनमें से 24 तारीख को एक अखबार में छापा कि 23 व्यापारियों की हत्या हुई, व्यापारियों की, और उन 23 में से 9 लोगों ने सरकार को सूचना दिया था, पुलिस को सूचित किया था कि हमारे ऊपर जान की खतरा है हमें सुरक्षा की जाए। अगर उनकी सुरक्षा की जाती उनकी चिंता होती तो आज शायद उन 9 लोगों की जानें बच जाती। देखा कि हेमंत सोरेन जी जब दलालों की सुरक्षा में AK-47 आप राइफल में लगा देते सुरक्षा के लिए, आप लोगों को पता है नहीं कोई एक प्रेम प्रकाश के घर में AK-47 मिला था, और वो कौन थे, हेमंत सोरेन की सुरक्षा प्रहरी थी। तो आप एक दलाल को सुरक्षा के लिए AK-47 वाले कांस्टेबल को सुरक्षा में लगा देते हो,
जिनका योगदान इस विकास के इस राज्य के विकास में नहीं है बल्कि लूटने में है, और जिन व्यवसायों ने इस राज्य के विकास में योगदान किया उनकी आप सुरक्षा नहीं करते और उनकी हत्या होती है, तो आप उसकी आप जांच करा लीजिए। सीबीआई से नहीं कराओगे, एसआईटी से जांच करा लो। कौन से अफसरों ने लापरवाही किया, किसके कारण ये लापरवाही के कारण उन लोगों की सूचना के बाद भी जान माल की रक्षा नहीं हो सकी। अगर आज आपने जांच कराया कार्रवाई नहीं किया तो जिस दिन भी बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी हम पूरे मामले को जांच करा देंगे और जो भी अफसर उसमें दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि यह संकल्प लेकर के जाना झारखंड को अपराध मुक्त प्रदेश बना। दूसरा, भ्रष्टाचार है इस राज्य में। सरकारी ऑफिसों में, दफ्तरों में, कहीं भी जाते हो बिना पैसा से कोई काम नहीं होता है, और जब तक भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा गरीब गुरबों को न्याय नहीं मिल सकता है।